आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू बिस्मिल्ला बाइट्स। व्यूवर्स, आज बनाने जा रही हूँ चिकन चीज़ पराठा, जो कि बहुत ही यम्मी बनता है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और रमज़ान के हिसाब से ये रेसिपी परफेक्ट है सहरी के लिए। तो आइए बिस्मिल्ला करते हैं। चिकन चीज़ पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, स्टोव को ऑन कर दिया है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे और फिर हम इसके अंदर अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई। अच्छा जी, अब प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट करना है। प्याज ट्रांसलूसेंट हो गई है, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब चिकन, जो कि मैंने कीमा नहीं किया है, इसकी छोटी छोटी सी पीसेस कर ली हैं। चिकन डालने के बाद हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कर देना है। 1 से 2 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए और उसके बाद हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब क्रश्ड रेड पेपर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, आप चाहें तो फ्रेशली ग्रेट करके भी अदरक डाल सकते हैं, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, फ्रेशली ग्रेट करके भी लहसुन आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब क्रश्ड ब्लैक पेपर। इन इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है वाइट विनेगर 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, टोमेटो केचप 1 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को डालकर हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। चिकन का जो पानी है, जब तक ये सूख नहीं जाता तब तक हम चिकन को पकाएंगे और जैसे ही ये पानी सारा ड्राई हो जाएगा तो हम स्टोव को ऑफ कर देंगे। अच्छा जी, चिकन रेडी हो चुकी है और पानी जो है इसका तकरीबन ड्राई हो गया है। अब हम इस स्टोव को ऑफ कर रही हूँ मैं और इसको ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। अच्छा जी, अब आटा गूंद लेते हैं। तो आटा गूंदने के लिए मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट और थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ड्रिजल करेंगे हम इसको। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स कर अब मैं इसकी डो रेडी कर लूँगी। देखिए जी, आटा गूंद लिया है, हार्ड डो गूंदी है मैंने और अब इसके अंदर मैं 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ और इसको अच्छे से इस पर लगा कर हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, ये देखिए आटा जो है 15 मिनट तक मैंने इसको रेस्ट पे छोड़ दिया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से 2 पेड़े निकाल रही हूँ। ठीक है, 1 पेड़ा मैं इसको बेलूँगी, फिर दूसरे पेड़े को भी मैं बेलूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रोल कर लेते हैं और थोड़ा सा आटा मैं डस्ट कर लेती हूँ और इसको हम बेल लेंगे। बेल लिया मैंने, अब इसमें हम क्या करेंगे, घी लगाएंगे। घी लगाकर हम इस पर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसके बाद हम इसे एक तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे और एक तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके बाद घी दोबारा लगाएंगे यहाँ पे। और घी लगाने के बाद हम इसको इस तरह से रोल करेंगे, बिल्कुल अंदर से प्रेस कर करके ऐसे आपने रोल करना है। ठीक है जी, ये करने के बाद हम इसको बीच में से कट करेंगे और ये देखिए कितनी सारी लेयर्स आ गई। अब क्या करना है कि हमें बाहर ये जो लेयर्स वाली चीज़ है
ये बाहर की तरफ आएगी और इसको हमें एक एक करके इन दोनों पेड़ों को बेल लेना है। अच्छा जी, दोनों पेड़ों को मैंने बेल लिया था, ठीक है, और जो लेयर्स वाली जगह है वो मैंने नीचे की तरफ यानी बाहर की तरफ रखी है। अब मैं इसके अंदर अपनी स्टफिंग डालना शुरू करती हूँ। डाल रही हूँ मैं चिकन, स्प्रेड कर लीजिए इवनली इसको, ठीक है जी। इवनली स्प्रेड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर चीज़ शेड करूँगी। चीज़ डालने के बाद कॉर्नर्स पे मैं पराठे के एक साइड पर थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ और अब जो दूसरी साइड है पराठे की वो मैं इसके ऊपर रख रही हूँ और इस तरह मैं प्रेस कर रही हूँ, ठीक है जी। ये रेडी है और चलिए अब हम इसकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। पैन गरम हो चुका है और अब मैं इसके ऊपर पराठा डाल रही हूँ। दूसरी साइड पर मैंने पलट दिया है ताकि एक साइड हमारी सिक जाए और दूसरी साइड पर मैं ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल या घी जो आप चाहें लगा सकते हैं। चलें जी, पराठा रेडी हो गया है और इसे अब हम डिश आउट कर लेते हैं। चिकन चीज़ पराठा कैसा लगा आप लोगों को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।